हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिर्फ राज का। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक। इस शेयर की रिकमेंडेशन मैंने कुछ दिनों पहले दी थी, 15 डेज बिफोर या 20 डेज बिफोर, यानी कि विद इन ए मंथ आप लोगों ने इस शेयर पे 10 रुपये से 14 रुपये तक आने का मोमेंटम देखा। जब मैंने इसको रिकमेंड किया तो ये 10 रुपये पे था, 14 प्लस आया और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने किया है तो 40% का रिटर्न इसने बना करके दिया और अभी भी 35% रिटर्न आपको मिल रहा है। अभी भी ये 1350 के आसपास है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए कहता हूँ, मेरे चैनल से आप जुड़िए, एप्पल बाइंग लेवल जानिए, क्योंकि मैं शेयर के रिजल्ट्स और उसके अलावा उसका मोमेंटम ये सब देखने के बाद ही आप लोगों को रिसर्च एनालाइज करके शेयर्स बताता हूँ, ताकि आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह से बेहतरीन रिटर्न आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे मिले। फ्रेंड्स, ये शेयर पहले भी मोमेंटम दे सकता था, लेकिन रिज़ल्ट उस लेवल पे नहीं थे और पिछले 1.5-2 साल अगर आप देखेंगे तो इसने डाउनफॉल पे रह करके और किसी भी तरह का कोई भी रिटर्न इसने बना करके नहीं दिया। अब ट्रैक पर आकर 8.5 के लेवल से फिर भी ये शेयर बीच में 13 रुपये के लेवल तक गया था, लेकिन वापस से फिर ये बहुत जल्द 0 रुपये स्टैंड चला गया और 8-9 रुपये के लेवल पे ही ये मोमेंटम देता रहा। 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, जस्ट इसी मोमेंट के आसपास ही घूमता रहा और ये मान के चलिए कि आप ये 8 से 9 के बीच में ही रह जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, अब इसके रिजल्ट्स जिस तरह से अपर ट्रैक्स दिखा रहे हैं उसी हिसाब से इसमें एक मोमेंटम है, अच्छा राइज कर सकता है शेयर। 20 रुपीज़ के मैंने टारगेट दिए हैं और आप देख लीजिए कि मेरे बताने के बाद, रिकमेंड करने के बाद में इसमें अप ट्रैक मूवमेंट भी आया है, वरना ये शेयर काफ़ी दिनों से कोई हलचल नहीं दे रहा था, कोई मोमेंटम नहीं दे रहा था, डाउनफॉल पे ही था और एज इट इज़ उसी स्टेबिलिटी के साथ बना हुआ था कि जैसे कि पहले बना रहता था। तो फ्रेंड्स, इतने कम समय में 35% का रिटर्न कम नहीं होता। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपग्रेड रहिए कि मैं कब कौन सा शेयर किस लेवल पर बताता हूँ, और मेरे रिसर्च एनालिसिस का फ़ायदा जो मैं अपने लिए लेता हूँ वही मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी दूँ। इसलिए मैं आप लोगों को अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल सिखाना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, ताकि आप समझ सके कि अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल एक्चुअल में होता क्या है। शेयर डाउनफॉल पे हो, रिजल्ट बेटर अपॉर्चुनिटी पे हो, अपट्रैक मूवमेंट नहीं आया हो, अपट्रैक मूवमेंट आने वाला हो, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी से शेयर बना हुआ हो और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न दे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो फ्रेंड्स, बन रहे मेरे चैनल पे मेरे साथ में, मोटिवेट करें मुझे मेरे सब्सक्राइबर की फैमिली बढ़ा के और वीडियोस वॉच करते रहें, अपग्रेड रहें। मैं कौन कौन से शेयर्स आपको अपने वीडियोस के थ्रू बता के अपग्रेड करता हूँ आपके माइंड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।